अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा दोस्तों फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में दोस्तों सबसे पहली जो खबर दोस्तों आपको सुनाने वाला हूं, इंडियन एम्बेसी से कुछ खबरें आ रही हैं। कुवैत में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसे टी सुनामी कोरोना कोविड 19 का एक नाम दिया गया, उसके बारे में कुछ अपडेट्स आ रही हैं। कुवैत में दोस्तों वहां पे वह जाली वेबसाइट बनाकर दोस्तों लोगों की वहां पे डॉक्यूमेंट्स को हैक किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ खबर है। तो वीडियो को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, वीडियो मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको कुवैत की हर एक जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की ओर चलते, जो कि आ रही हैकिंग को लेकर आ रही है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जिसके वहां पे हैकिंग किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ को, ये सारा चीजों को हैक किया जाता है। तो कुवैत में ये काफी ज्यादा हो रही, जिसके लिए दोस्तों काफी चिंता की बात है। बताई गई है कि लगभग 887 कुवैत के दोस्तों वेबसाइटों को वहां पे हैक करने की कोशिश की गई थी। लगभग 4360 से अधिक फाइलें उसमें शामिल थी, जिसे हैक करके वहां पे हैकरों द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों इस पे कड़ी वहां सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस पे काफी सख्ती से ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि सरकारी होते हैं, वो देश के सुरक्षा के लिए होता है, जिसके बाद भी दोस्तों वो सभी वेबसाइटों को हैक करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस पे काफी ज्यादा ध्यान देने के लिए हुकूमत की तरफ से बोला गया है। अगली जो अपडेट साथियों आ रही है वो इंडियन एम्बेसी की तरफ से आ रही है। इंडियन एम्बेसी की तरफ से दोस्तों कल के दिन ये बताया गया है कि 10 जनवरी को इंडियन एम्बेसी को बंद रखा जाएगा दोस्तों, वहां पे कोरोना वायरस को बढ़ाव को देखते हुए। पर 11 जनवरी से दोस्तों खुलेगा, पर पासपोर्ट का काम ही सिर्फ हो पाएगा। तो दोस्तों पासपोर्ट काम की यदि हो पाएगा तो तीन जगहों पर होगा। एक होगा सर्क में, जो कि थर्ड फ्लोर ऑफ जोहारा टावर, खालिद इब्ने वालिद स्ट्रीट, कुवैत सिटी में। टाइमिंग दोस्तों उसका होगा सैटरडे से थर्सडे तक, जो कि होगा दोस्तों टाइम होगा 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, फिर 4 बजे से लेकर 8 बजे रात तक। अगला साथियों जलीब अल सुवेक में, जो कि एम फ्लोर ओलिव सुपरमार्केट बिल्डिंग जलीब अल सुवेक कुवैत में होगा। टाइमिंग इसकी होगी दोस्तों सिर्फ जुमा को खुला रहेगा, 4 बजे से लेकर 8 बजे रात तक। अगला दोस्तों फहील अल अनुज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मजीनी फ्लोर मक्का स्ट्रीट फाइल कुवैत, इसकी भी टाइमिंग दोस्तों जुमा को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक दोस्तों खुला रहेगा। बस सिर्फ पासपोर्ट का काम होगा, बाकी और भी काम नहीं होगा। तो जो लोग इंडियन भाई यदि काम करवाने जाने वाले थे तो इसी बीच में जाइएगा, नहीं तो फिर आपको हो सकता है वापस घूम के आना पड़े। अगली खबर की दोस्तों चलते हैं, जो कि आ रही साथियों। दोस्तों जैसा कि आपको पता है लगातार कुवैत में केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे थे, वहीं 24 घंटे के अंदर के बारे में बात करें तो लगभग वहां पे 2820 केसेस को वहां पे रजिस्टर किया जा चुका है। लगभग वहां पे 4,30,920 केसेस अब तक हो चुकी है और लगभग वहां पे 2471 लोग की वहां पे कोविड से मारे जाने की खबर है। तो दोस्तों ये लगातार कोरोना वायरस को बढ़ाव को देखते हुए सरकार की तरफ से बोला गया कि ये सुनामी एक तरह का है कोरोना वायरस का, तो इससे बचने के लिए कहा गया और ज्यादा जल्दी से जल्दी आप लोगों को वहां पे कोविड 19 का वैक्सीन, प्लस जो लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उन लोगों को बूस्टर डोज लेने के लिए कहा जा रहा है। और जो भी नियम बनाए जा रहे हैं कुवैत में, सभी को नियमों को पालन करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही, ताकि हम लोग इसके बढ़ाव को रोक सके। अगली जो अपडेट साथियों आ रही है, बताना चाहूंगा साथियों कुवैत में बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी। खबर दोस्तों ये शुक्रवार को सलमी रोड पर एक दुखद यातायात दुर्घटना घटी, जिनमें से 3 कुवैतियों की वहां पे मौके पे ही मौत हो गई है। अल रायदानी रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है, दुर्घटना में कुवैत सिटी और किंग फहद रोड पर एक कार और ट्रक के बीच में टक्कर के बाद अज्ञात कुवैती की मौत हो चुकी है। तो फिलहाल दोस्तों 3 लोगों की वहां पे मौत होने की पुष्टि हो गई है। तो दोस्तों लगातार कुवैत में एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट के दौरान वहां पे कोई ना कोई मारा ही जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़।